असल वेलकम टू टिफन फूडी टिफिन फूडी में आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं फ्राई कबाब जिसकी रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी है बहुत ही आसान रेसिपी है जो कि आपने ज्यादातर स्ट्रीट फूड में ट्राई किया हुआ लेकिन आप बाप इसे घर में भी बना सकते हैं बहुत आसान तरीके से चलिए शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी तो देखते हैं इसके लिए हमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स चाहिए यहाँ पर हमने दिया है मटन कीमा ठीक है इसको अच्छी तरह से वॉश कर लिया और पानी हमने निकाल लिया है इसका इसके साथ हमने लिया हरी मिर्चे दही हरा धनिया मक्खन स्लाइस में प्याज अदरक लसन का पेस्ट क्योरा कोयला कबाब मसाला बेसन हल्दी लाल मिर्च पाउडर नमक गरम मसाला जीरा सौंफ और बादाम का पाउडर अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर जाकर सब्सक्राइब को प्रेस करें और साथ में लगे बेल आइकॉन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा इससे आने वाली हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी चले शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी तो यहाँ पर मैंने एक पैन लिया इसके अंदर हम जो कि बादाम को हमने अच्छी तरह से पाउडर फॉर्म में बना लिया था पीस लिया था इसके साथ हमने लिया है बेसन वो डाल देंगे फ्लेम हम लो रखेंगे इसके साथ इसके अंदर हम सौंफ ऐड करेंगे बहुत ही यूनिक सा इससे एक जायका आता है बहुत मजेदार सी है इसमें आएगी इसके साथ हम इसमें डालेंगे जीरा ब्लैक जीरा यानी काला जीरा हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हल्की आंच में इसको भूनेंगे अच्छी तरह से ये देखिए हमारा ये पाउडर फार्म का बेसन जो है वो भून चुका है अब हम इसे उतार देंगे जहां पर हम अपना कीमा तैयार कर लेते हैं सबसे पहले मैंने इसमें दही ऐड किया चॉपर में हरी मिर्ची ऐड करेंगे अदरक लहसन का पेस्ट ऐड करेंगे अब हम इसमें कीमा ऐड करेंगे कीमे का पानी अच्छी तरह से निचोड़ लेना है पानी अंदर ना हो ठीक है अब हम इसके अंदर डालेंगे हरा धनिया लाल मिर्च पाउडर हल्दी डालेंगे गरम मसाला नमक कबाब मसाला है, ये हमारे इंग्रेडिएंट्स हो गए अब हम इसको अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे बिल्कुल फाइन चॉप करेंगे सॉफ्ट सा कीमा हो जाए बारीक सा आ, तो हम इसको फिर ऑफ करेंगे ये देखें अब हम इसके अंदर वो जो हमने अपना पाउडर फार्म में बेसन तैयार किया था बुना था वो ऐड कर देंगे और इसको मजीद चॉप करेंगे इतना करेंगे ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए इसमें ये देखिए ये ले हमारा ये जो कीमे का मिक्सचर है वो तैयार हो चुका है अब हम इसके अंदर कोयला ऐड रखेंगे ये देखिए कोयले को अच्छी तरह से गर्म करके इसके ऊपर ऑयल कर दिया और अब हम इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे बहुत ही जबरदस्त है इसमें अंदर टेस्ट आएगा ये देखिए इस तरह से हमने रख देना है और जब ये हमारा तैयार हो जाए तो हम इसे हटा देंगे ये हमारा कीमा अच्छी तरह से मैरिनेट हो चुका है बहुत ही जबरदस्त सी खुशबू है इसकी यहां पर हमने ऑयल लिया है ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे अब हम इसके अंदर मक्खन ऐड करेंगे सबसे पहले हमने ऑयल ऐड किया था ताकि इससे ऑयल ऐड करने से ये होता है कि हमारा जो मक्खन है वो मजीद जलता नहीं है और आ, मतलब हमारा ऑयल का टेस्ट भी आ रहा था और मक्खन का भी इसको अच्छी तरह से गर्म करने के बाद इसमें प्याज ऐड करेंगे प्याज को अच्छी तरह से भुनेंगे इसको हमने ब्राउन करना है ये देखिए हमारा प्याज ब्राउन हो चुका है अब हम इसके अंदर जो हमारा कीमा मैरिनेट किया हुआ था वो ऐड कर देंगे इसको अच्छी तरह से हम पकाएंगे ये देखिए इस तरह से मक्खन के अंदर ही इसे हमने पकाना है ये देखिए हमारा कुछ कीमा भुन चुका था इसके अंदर हम मजीद पानी ऐड करेंगे और इसको 10 से 20 मिनट के लिए मजीद हल्की आंच पे पकाएंगे ये तैयार हो चुका है इसके अंदर आप हम क्योरा ऐड करेंगे पानी खुश्क हो चुका है बिल्कुल और हमारा फ्राई कबाब तैयार हो चुका है इसको आप नान के साथ खमीरी रोटी के साथ किसी भी चीज के साथ और स्पेशली पराठे के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं पीछे इसको हमने पराठे के साथ सर्व कर लिया है हमारा फ्राई कबाब तैयार हो चुका है बहुत ही जबरदस्त है इसके साथ आप सैलड सर्व कर सकते हैं साथ पराठा सर्व कर सकते हैं और आप अपने मेहमानों को ये सब सब सर्व कर सकते हैं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हमारी रेसिपी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल बेलाइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा इससे आने वाली हमारी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा तब तक हमें दे इजाजत अल्लाह हाफिज